स्वागत है दोस्तों आपके सत्यम टेक्निकल त्यागी में। और आज हम देखेंगे मॉडर्न मशीनिंग प्रोसेस का पहला टॉपिक, बोले तो मॉडर्न मशीनिंग प्रोसेस का एक टाइप लेजर बीम मशीनिंग। तो देखते हैं जरा इसे होता क्या है। तो हम लेजर बीम मशीनिंग में देखेंगे इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए क्योंकि हम इतना सारा पढ़ने वाले हैं, लेकिन अपना साथ बनाए रखना। तो चलो तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं लेजर बीम मशीनिंग का इंट्रोडक्शन। तो जैसे ही आपको नाम से समझ में आ रहा है कि मशीनिंग होती क्या है, वैसे मॉडर्न मशीनिंग प्रोसेस है, तो इसमें मशीनिंग शब्द का मतलब क्या है। तो मशीनिंग से हम समझते हैं, मशीनिंग मतलब होता है मेटल का रिमूवल करना। अगर हम मेटल रिमूव करते हैं किसी भी तरह से, किसी भी प्रोसेस से, तो उसे हम बोलते हैं मशीनिंग। तो आजकल नए नए ज़माने की मॉडर्न मशीनिंग प्रोसेस है। पहले क्या था, हम फाइल करते हैं या फिर कुछ ना कुछ ग्राइंडिंग करते हैं, उससे हमारी मशीनिंग होती है। लेकिन हमने कुछ मॉडर्न तरीके लिए हैं, तो उनमें पहला तरीका हमने लिया है लेजर बीम मशीनिंग। तो इसमें जैसे नाम से समझ में आए, इसमें मशीनिंग करेंगे मेटल की लेजर बीम की मदद से। तो इंट्रोडक्शन क्या हुआ कि एक ऐसी मशीनिंग प्रोसेस है जिसमें हम मेटल का रिमूवल करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेजर बीम। तो अब देखते हैं इसका प्रिंसिपल। तो इसका प्रिंसिपल ये है कि ये एक एक्साइटिंग इलेक्ट्रॉन प्रिंसिपल पे बेस है। मतलब क्या है कि जब हम किसी भी चीज़ को, जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये कुछ इनकी स्टेज होती हैं, ये 0, 1, 2, 3, 4। तो जब ये हमारे 0 स्टेज पर रहते हैं तो ये स्टेबल रहते हैं। लेकिन हम इनके अंदर जब पावर देते हैं, सप्लाई देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, लाइट देते हैं, किसी भी चार्ज से हमें एक्साइट करवा देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो फिर अगले स्टेज पर कूद जाते हैं। ऐसे कूद जाते हैं, जितनी हायर स्टेज में रहेंगे उतनी इनके अंदर अनस्टेबल फोर्स रहेगी। तो इसका प्रिंसिपल क्या है कि एक्साइटिंग इलेक्ट्रॉन की मदद से एक लाइट प्रोड्यूस करते हैं और उसकी मदद से ये मेटल का रिमूवल करते हैं। तो देखते हैं अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन क्या। देखिए सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में हमारे पास एक पावर सप्लाई है, नाम लिख देते हैं, ये हमारी पावर सप्लाई है। इन पावर सप्लाई से ये हमारे दो जाइलोन लैम्प हैं, जिनोन लैम्प्स। और बीच में हमारा है ये रूबी क्रिस्टल, यहाँ बीच में रूबी क्रिस्टल है। इसमें एक साइड लग रहा है फुल्ली रिफ्लेक्टिंग मिरर और दूसरी साइड लग रहा है पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर। आपको सब समझ में आ जाएगा, दिक्कत मत लीजिए बिल्कुल भी। और यहाँ पर एक हमारा लग रहा है कूलिंग सिस्टम। पावर सप्लाई हमारी जिनोन लैम्प्स में जा रही है। यहाँ पर आगे हमारा एक लग रहा है फोकसिंग लैम्प, वो फोकसिंग लेंस, ये हमारा क्या है फोकसिंग लेंस। और फिर आगे हमारा क्या है वर्कपीस, जिसके ऊपर से हमें मेटल रिमूव करना है। तो फिर ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में कौन से पार्ट हैं, पावर सप्लाई है इसमें, सबसे बड़ी बात पावर सप्लाई है, कूलिंग सिस्टम है। कूलिंग सिस्टम जो है हमारा, ये हमारा जिनोन लैम्प से कनेक्ट है, क्योंकि जब जिनोन लैम्प में पावर सप्लाई जाएगी तो फिर ये पावर जब हीट जनरेट करेगी तो उसे कूल करना भी ज़रूरत है। तो हमने इस कूलिंग सिस्टम भी लगाया है, दो जिनोन लैम्प्स हैं, रूबी क्रिस्टल है, इसके अंदर हमने वो इम्प्योरिटीज़ डाली हैं। इम्प्योरिटीज़ हमारी क्रोमियम ऑक्साइड, क्योंकि इन्हीं इम्प्योरिटीज़ की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है हमारे, ये आगे स्टेज पर जाएंगे। तो फिर इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है, पावर सप्लाई है, जिनोन लैम्प्स हैं दो, कूलिंग सिस्टम है, रूबी क्रिस्टल है, फोकसिंग लैम्प है और वर्कपीस है। तो लेज़र हम पढ़ रहे हैं LBM, यानी कि लेजर बीम मशीनिंग। तो लेज़र की मदद से इसमें मशीनिंग होगी। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी वर्किंग कैसे है। तो हमने जब पावर सप्लाई ऑन करी तो जिनोन लैम्प्स में करंट पहुंचेगा। जब जिनोन लैम्प में करंट पहुंचेगा तो ये लैम्प रिफ्लेक्ट लाइट देंगे, ये लाइट पास करेंगे, ये लाइट इन्होंने पास कर दी है। जब ये लाइट पास कर देंगे हमारे रूबी क्रिस्टल के लिए, तो रूबी क्रिस्टल के अंदर जो हमारी इम्प्योरिटीज़ हैं,
वो एक्साइड होंगे, जो इनके इलेक्ट्रॉन है क्रोमियम ऑक्साइड को, वो एक्साइड होंगे, एक्साइड होकर अगले स्टेज पे जाएंगे, जिसकी वजह से अनस्टेबल होने की वजह से ज़्यादा हिले डुलेंगे। हिलने डुलने से इस साइड हमारा लग रहा है फुल्ली रिफ्लेक्टिंग मिरर। इस मिरर से जब ये स्ट्राइक करेंगे तो ये वापसी आएंगे, स्ट्राइक करने पर जब वापसी आएंगे तो फिर इस ये दूसरी साइड आएंगे, ये हमारे पार्शली रिफ्लेक्टिंग मिरर, तो पार्शली रिफ्लेक्टिंग मिरर से ये आगे निकल जाएंगे, यही निकल आएंगे। लेकिन क्या होएगा, जब वापसी आएंगे तो यहाँ भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन है, तो उनमें भी कुछ एनर्जी लॉस होएगा, तो कुछ अमाउंट में तो बाहर आ जाएंगे, कुछ इसमें इसमें ही रह जाएंगे। फिर वो लगातार हमें लैंप से एनर्जी मिल रही है तो एक्साइड होते रहेंगे। यहाँ पर आने का जो हमें फोकसिंग लैंप है, तो ये फोकस बनाएगा एक तरफ, इसने फोकस बनाया एक तरफ, यहाँ से हमारा वर्कपीस से मेटल रिमूव हो जाएगा। तो फिर हमारा कुछ ऐसे काम करता है। लेकिन हमने जो लेज़र बीम मशीनिंग पढ़ा है, ये काम तो इसका मैं समझ में आ गया, एक पावर सप्लाई देने पे जिनून लैंप्स चार्ज हो जाएंगे, लैंप्स चार्ज होने की वजह से ये लाइट इमिट करेंगे, लाइट एमिट की वजह से जो हमारे रूबी क्रिस्टल के अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं क्रोमियम ऑक्साइड की, ऑक्साइड होंगी, ऑक्साइड होने की वजह से वो फुल्ली रिफ्लेक्टिंग मिरर से स्ट्राइक करेंगे, जिसकी वजह से पार्शली रिफ्लेक्टिंग मिरर से पास आउट होकर फोकसिंग लैंप से वर्क पीस पे एकदम स्ट्राइक करेंगे, जिसकी वजह से हमारा मेटल रिमूव हो जाएगा। लेकिन हमें ये इसमें जो हमने ये लिया है रूबी क्रिस्टल, ये हमारा सॉलिड है, हम कोई गैस भी ले सकते थे, तो फिर ये हो गया। लेकिन हमें याद रखना है लेज़र बीम मशीनिंग जो है वो हमारी सिर्फ ब्रिटल मेटल के लिए ही यूज होती है, इसे हम डक्टाइल मेटल पे यूज नहीं कर सकते। ये मैक्सिमम जो होती है हमारी ब्रिटल मेटल पे ही यूज होती है। अब देखते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज देखते हैं हम। पहला एडवांटेज है एनी मटेरियल कैन बी मशीन, यानी कोई भी मटेरियल मशीन हो सकता है। नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन टूल एंड वर्कपीस, वर्कपीस और टूल के बीच में कोई भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता नहीं है। जैसा कि हमने देखा था फोकसिंग लेंस से सीधा रेस जा रही थी, तो टूल और वर्कपीस के बीच में कोई कॉन्टैक्ट था नहीं। लेस वियर ऑफ टूल, जब टूल के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा तो फिर उसके खरोच आने के चांस कम रहेंगे। वेरी लेस, वेरी स्मॉल होल्स एंड कट कैन बी मेल्ट विद हाई एक्यूरेसी, जितने भी ये छोटे होल्स हैं या कट उन्हें मेल्ट कर दिया जाता है बड़ी अच्छी एक्यूरेसी से। स्मॉल हीट इफेक्टिव जोन अराउंड द मशीन सरफेस, यस स्मॉल हीट इफेक्टिव जोन ही सरफेस पे अराउंड होएगा, जो हमारे वर्कपीस पे एक जगह जो लेजर पड़ रही है वहीं पर हमारा स्मॉल हीटेड इफेक्टिव जोन होएगा बस। कैन बी इफेक्टिवली यूज फॉर वेल्डिंग ऑफ डिसिमिलर मेटल्स, यस इसकी हम डिसिमिलर मेटल से भी इसे वेल्ड कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, जब किसी चीज़ के एडवांटेज होते हैं तो डिसएडवांटेज भी होंगे। तो इसके डिसएडवांटेज हैं हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि इसके जो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज आल्सो हाई, यानी जो इसे ऑपरेट कर रहा है उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। हाई स्किल ऑपरेशन, जो हाई स्किल्ड ऑपरेटर चाहिए, हाई स्किल ऑपरेशन और हाई स्किल्ड ऑपरेटर, जो इसका ऑपरेटर है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए ताकि वो इसे ऑपरेट कर सके, इसका ऑपरेशन इस पर ऑपरेशन कर सके। प्रोडक्शन रेट इज़ लो, क्योंकि ये मशीनिंग हमारी पावर सप्लाई से कर रही है, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन जब स्टेबल अनस्टेबल होंगे, जब वो एमिट लाइट से एमिट होके अनस्टेबल होके फुल्ली मिरर से टकराएंगे तभी जाके ये हमारा काम होएगा, तो फिर इसलिए हमारा प्रोडक्शन रेट जो है वो लो होता है। एप्लीकेशन जो है इसकी लिमिटेड है थिन सेक्शंस के लिए, और ये हमारे मेटल को बहुत स्मॉल अमाउंट में रिजेक्ट करता है, बोले तो रिमूवल करता है, और इट कैन बी रिमूव ओनली सेंसिटिव हीट रिगार्डिंग मेटल पर हम इसे यूज नहीं कर सकते, जो हीट कंडक्टिव मटेरियल है उन पर हम इसे यूज नहीं कर सकते। और इसका एक और डिसएडवांटेज लिख लेते हैं, इट कैन ओनली यूज फॉर ब्रिटल मेटल, ओनली तो नहीं लेकिन हाँ ये ज़्यादा, इट कैन मैक्सिमम यूज़ फॉर ब्रिटल मटेरियल। इसकी एप्लीकेशन देखते हैं, क्या क्या एप्लीकेशन है। इसकी पहली एप्लीकेशन है ट्रिमिंग ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस, ये कार्बन के रेसिस्टेंस को ट्रिम करने में काम कर सकता है। कार्बन के रेसिस्टेंस के बीच में टॉलरेंस बहुत हाई रहती है, तो इसकी वजह से हम इसे ट्रिम कर सकते हैं, नहीं तो आमतौर पर नहीं हो पाती। ड्रिलिंग स्मॉल और हार्ड मटेरियल कि मैं ड्रिल कर सकता है टंगस्टन केरेमिक जैसे। कटिंग कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल ऑन थिन हार्ड मटेरियल, ये थिन हार्ड मटेरियल पे कटिंग कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल कर सकता है। शीट मेटल्स की ट्रिमिंग कर सकता है, प्लास्टिक पार्ट की ट्रिमिंग कर सकता है। तो आज हमने लेजर बीम मशीनिंग के बारे में पढ़ा, उसका इंट्रोडक्शन देखा, प्रिंसिपल देखा, कंस्ट्रक्शन देखा, वर्किंग देखी, एडवांटेज डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन देखा। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सत्यम टेक्निकल त्यागी चैनल देखने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में आपकी जो भी कोई प्रॉब्लम हो उसे ज़रूर बताएं। अगला जो टॉपिक हम करेंगे ई बी एम।
ईबीएम करेंगे, लेकिन ईबीएम से पहले हम यूएसएम करेंगे, सॉरी उससे पहले हम कल अगला टॉपिक जो आएगा हमारा एमटी थर्ड की एक प्लेलिस्ट बनाएंगे हम, उसमें आपको मिल जाएगा ये यूएसएम करेंगे यानी कि अल्ट्रा सोनिक मशीनिंग, इसमें अल्ट्रासाउंड की मदद से मशीनिंग करेंगे। तो वीडियो भी जल्द आ जाएगी ये चैनल।